अहमदाबाद की इन गलियों में सिलाई का काम करने वाले एक ऐसे शख्स है जो राजेश खन्ना जी के बहुत बड़े फैन हैं। तो आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। भाई नाम क्या है आपका? राजू। राजू, क्या बात है, सही है राजू। पहले से नाम तो है कि आपने रखा? मैंने भी राजेश नाम है, स्कूल में राजेश और राजू। राजू हाँ, तो आप राजेश खन्ना के फैन है बचपन से? बचपन से, सही है सही है, मस्त है। आपको तो काफ़ी राजेश खन्ना के बारे में वैसे सबको मालूम ही है, लेकिन आपको आई थिंक कुछ ज़्यादा ही मालूम रहेगा, तो कुछ बताइए कि अपने दर्शकों को राजेश खन्ना के बारे में। राजेश खन्ना जो मैंने उनकी पहली फिल्म देखी थी प्रेम नगर, प्रेम नगर हाँ, वो 30 से 40 बार देखी होगी, उसमें से मैंने देखा कि चॉकलेट हीरो तो यही है। अरे क्या बात है, स्मार्टेस्ट कपड़ा है, फिर उसमें से मैं एक बड़ा फैन बना। बड़ा फैन राजेश खन्ना के, मतलब उसके हर साल उसके पीछे मैं 10,000 रुपये वापरता हूँ, मरण तिथि बनाता हूँ। ओहो, मतलब जन्मदिन मनाते हैं हर साल? मरण तिथि दोनों बनाता था पहले, पर मेरा हर साल देखो पेपरों में आता ही रहता। अरे वाह क्या बात है दोस्तों, राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन है। मैं ये देखिए, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें राजेश खन्ना के बारे में जमा करके रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। राजेश खन्ना ने फोटो अगरबत्ती करी धंधा ने शुरुआत कर दो दर्जी। अरे समाचार भाई, इन्होंने तो राजेश खन्ना का पूरा खजाना जमा करके रखा हुआ है। ये देखिए, वाह राजेश खन्ना जी के साथ, वाह वाह वाह, इनके फ़ोटो के साथ इन्होंने भी फ़ोटो खिंचाया हुआ है। बहुत सी डॉक्यूमेंट्री इन्होंने जमा करके रखी हुई है, जैसे आप देख पा गए, ये पेपर पेपर का कटआउट भी इन्होंने रखा हुआ है, सब रखी है 25-30 साल पुराने सब घर पर। सही सही, तो एक आप राजेश खन्ना के फैन है, एक राजेश खन्ना जी का कोई गाना सुना दीजिए बढ़िया सा मस्त वाला एकदम। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। एक हमारी फर्म है जिंदगी का सफर है, दो बोलो। जिंदगी का सफर ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच सर। चाय भाई पियो? अरे नहीं, बोल आपने बोल दिया, हमने समझ लिया, पी लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, धन्यवाद। चलो मिलते हैं। मस्त है भाई, राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन है जी। हम ऑटो से जा रहे थे, लेकिन फिर से हमने ऑटो घुमा के वापस यहाँ पे आए। हाँ, अरे बिल्कुल। राजेश खन्ना जी आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है, वो हमेशा हमारे दिल में बसे रहेंगे। उन्होंने 60s और 70s में बहुत सारी हिट फिल्में की, और उनके अनगिनत सदाबहार गाने आज भी हम गुनगुनाते रहते हैं और गुनगुनाते रहेंगे। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्हें लोग युगों युगों तक याद रखेंगे।